हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है बी, स्कॉट मॉरिसन। आइए समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की कंजर्वेटिव पार्टी ने एक बार फिर आम चुनाव में जीत हासिल कर ली है। मॉरिसन की पार्टी ने 151 में से 74 सीटें हासिल की हैं, जो कि बहुमत से 2 सीटें कम हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1924 से ही मतदान अनिवार्य है और अगर किसी पंजीकृत योग्य मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला तो उस पर भारतीय मुद्रा के अनुसार करीब 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, सभी लोकसभा चुनाव परिणामों पर आधारित पुस्तक इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है डी, नसीम जैदी। आइए समझते हैं, वर्ष 1952 से 2014 तक के सभी लोकसभा परिणामों पर आधारित पुस्तक इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया संसद भवन में जारी की गई। इस एटलस की सहायता से स्वतंत्र भारत में हुए सभी लोकसभा चुनावों का मानचित्रों पर आधारित विश्लेषण किया जा सकेगा। इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के पहले आम चुनावों से लेकर अब तक के प्रत्येक चुनाव परिणाम की तथ्यवार जानकारी दी गई है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है ए, जोरवा अल हर्थी। आइए समझते हैं, ओमान की लेखिका जोरवा अल हर्थी को उनकी किताब सेलेस्टियल बॉडीज के लिए इस साल का मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया। जोरवा साहित्य जगत का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल करने वाली अरब जगत की पहली लेखिका है। पुरस्कार के रूप में मिली $64,000 की इनामी राशि वह अमेरिकी मॉर्लिन बूथ के साथ साझा करेगी। मॉर्लिन ने उनकी किताब का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है सी, 22 मई। आइए समझते हैं, जैव विविधता का तात्पर्य विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों का अस्तित्व धरती पर एक साथ बनाए रखने से होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2000 को 55/201 प्रस्ताव पारित करके 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया। इस वर्ष की इसकी थीम थी या है, हमारी जैव विविधता, हमारा खाद्य, हमारा स्वास्थ्य। प्रश्न नंबर 5, नासा ने हाल ही में ब्रह्मांड के किस दूरस्थ स्थान पर पानी के साक्ष्य मिलने की जानकारी जारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है सी, अल्टीमा थुले। आइए समझते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को
अल्टीमा थूले की सतह पर मेथनॉल, पानी की जमी बर्फ और कार्बनिक अणुओं के एक अद्वितीय मिश्रण का सबूत मिला है। यह मानव जाति द्वारा खोजी गई अब तक की सबसे दूरस्थ दुनिया है। नासा की बात करें तो नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। नासा 29 जुलाई 1958 को की गई। इसके प्रशासक हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन और इसका आदर्श वाक्य है सभी के लाभ के लिए। प्रश्न नंबर 6, गूगल द्वारा हाल ही में अपने किस प्रोजेक्ट को बंद करने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है ए, जंप वीआर। आइए समझते हैं। गूगल ने हाल ही में अपने जंप वीआर प्रोजेक्ट को घटते उपयोगकर्ता के आधार पर बंद करने की घोषणा की है। जंप वीआर का पूरा नाम है जंप वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म। इसकी शुरुआत 2015 में की गई। कम उपयोगकर्ता के चलते इस प्रोजेक्ट को जून 2019 के अंत में बंद करने का निर्णय लिया। कंपनी ने उपयोगकर्ताओं से अपने डाटा डाउनलोड करने की अपील की है इससे पहले कि कंपनी इसे पूर्ण रूप से बंद कर दे। प्रश्न नंबर 7, भारतीय मूल के देव शर्मा किस देश की संसद में पहुंचने वाले पहले भारतवंशी बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है डी, ऑस्ट्रेलिया संसद। आइए समझते हैं। ऑस्ट्रेलियाई संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय वंशी देव शर्मा हैं। देव की यह जीत बताती है कि ऑस्ट्रेलिया के समाज में भारतीय मूल के लोग भी एक ताकत के रूप में उभर रहे हैं। देव का परिवार 1970 के दशक में सिडनी में बस गया था। देव के पिता भारतवंशी और मां ऑस्ट्रेलियन हैं। उन्होंने संघीय चुनाव में सिडनी के उपनगर वेंटवर्थिन सीट से जीत दर्ज की। 43 वर्षीय शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार केरी फ्लेप्स को पराजित किया। उन्हें 51.16% वोट मिले। इसी सीट पर महज 6 माह पहले हुए उपचुनाव में फिलिप्स के हाथों शर्मा को हार का सामना करना पड़ा था। प्रश्न नंबर 8, इसरो के द्वारा रीसेट 2B रडार सैटेलाइट की सीरीज के कौन से सैटेलाइट का सफल प्रशिक्षण किया गया? और इसका सही उत्तर है सी, चौथा। आइए समझते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर SHAR से RISAT-2B चौथे सीरीज की सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-46 ने फर्स्ट लॉन्च पैड से उड़ान भरी और उड़ान के लगभग 15 मिनट 25 सेकंड बाद RISAT-2B को 556 किलोमीटर की कक्षा में भेजा गया। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में तापी परियोजना की बैठक कहां संपन्न हुई? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है ए, तुर्कमेनिस्तान। आइए समझते हैं। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत अर्थात TAPI
गैस पाइपलाइन की बैठक अशखबत तुर्कमेनिस्तान में हुई। तापी गैस पाइपलाइन की आधारशिला अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान में रखी जाएगी। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना के पाकिस्तान में 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। एक बार पूरा होने पर पाकिस्तान को प्राकृतिक गैस के 1320 बिलियन क्यूबिक मीटर BCM प्राप्त होने की उम्मीद है। संयुक्त राज्य अमेरिका और एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा समर्थित तापी परियोजना 1990 के दशक से तुर्कमेनिस्तान द्वारा टाल दिया गया। प्रश्न नंबर 10। जयपुर लिटरेचर टोरंटो में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, यहां कब आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है ए 27 से 29 सितंबर। आइए समझते हैं, हाल ही में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के इंटरनेशनल एडमिशन की दिनांक अनाउंस की गई है। 14 से 16 जून तक लंदन में, 21 से 23 जून तक बेलफेस्ट में, 13 से 14 सितंबर ह्यूस्टन में, 18 से 20 सितंबर न्यूयॉर्क में, 20 से 22 सितंबर कोलोराहो में और 27 से 29 सितंबर टोरंटो में। प्रश्न नंबर 11। भारतीय कुश्ती संघ द्वारा 3 दिवसीय अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है डी कोटा। आइए समझते हैं, भारतीय कुश्ती संघ एवं राजस्थान कुश्ती संघ के संयुक्त तत्वाधान से 21 जून से 23 जून तक कोटा में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न नंबर 12। स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ी भाग लेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है शताब्दी अवस्थी और सुंदर सिंह गुर्जर। आइए समझते हैं, स्विट्जरलैंड में आयोजित पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर और शताब्दी अवस्थी भाग लेंगे। शताब्दी अवस्थी शॉटपुट और जवेलिन थ्रो में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। सुंदर गुर्जर बालाफेंक शॉटपुट डिस्कस थ्रो में भाग लेंगे। महावीर प्रसाद सैनी को भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले करंट अफेयर्स में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था जो था, हाल ही में NMCG ने गंगा बेसिन में रुद्राक्ष वृक्षारोपण के लिए किसके साथ साझेदारी की है? और इसका सही उत्तर है CHCL। इसका सही उत्तर देने वालों में पहले नंबर पर हैं गजन अरोड़ा, दूसरे नंबर पर हैं ओंकार चौधरी और तीसरे नंबर पर हैं अक्षय थोरी। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार से आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए। और आपके लिए आज का प्रश्न है, ICC के प्रसारण और डिजिटल योजना के तहत किस देश में 2019 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप का प्रसारण किया जाएगा? ऑप्शंस ए अफगानिस्तान, बी हांगकांग, सी आयरलैंड
और डी जिम्बाब्वे। जल्दी कीजिए, सही आंसर देने वाले पहले तीन विद्यार्थियों का नाम अगले करंट अफेयर्स में अनाउंस किया जाएगा। इसी के साथ मैं सुरेंद्र सोनी, संकल्प कंपटीशन लाइन कोचिंग सेंटर श्री गंगानगर तथा हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर के निदेशक श्री संजय चौधरी की तरफ से आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। और वे विद्यार्थी जो हमारे चैनल पर लगातार बने हुए हैं और सबसे पहले जवाब दे रहे हैं, उसे महीने के अंत में संकल्प कोचिंग गंगानगर के निदेशक संजय चौधरी की तरफ से एक उपहार दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ।